बस आप लोग थंबनेल देख के समझ गए कि आज मैं क्या बताने वाला। जी हाँ, आज मैं बताने वाला कि आप अपने मोबाइल फोन में GTA 5 कैसे खेल सकते हैं। चाहे अभी मजा आएगा ना भिड़ो, चाहे आपका कितना ही सस्ता मोबाइल हो, आप उसमें GTA 5 बड़े आसानी से खेल सकते हैं ऑनलाइन, जैसा कि इस ऐप के मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये आप कैसे खेल पाएंगे अपने मोबाइल में GTA 5। एंड बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो कॉमेंट एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग ऐप को ओपन कर चुके हैं, एंड यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है। आप अपने गूगल या फेसबुक अकाउंट से इसको लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग इन करने के लिए आपको अपना अकाउंट को चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल से लॉग इन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको जो भी आपका अच्छा नाम लगे आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम डाल चुका हूँ। एंड यहाँ पे आप क्या है, मैन वोमेन वो डाल दें, बर्थडे डाल दें अपना, डेट ऑफ बर्थ, एंड आगे आप देख रहे हैं गाइस। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप देख के अपना सही भर देंगे। अगर इन्विटेशन कोड आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको आप यहाँ पे अपना कंट्री को चूज़ करके आपको नेक्स्ट चल जाना है, गॉट इट कर देना। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपको जितने भी पॉपुलर गेम्स है PC का सारा आपको यहाँ पर रिकमेंड कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगता है आप वहाँ पर इसको प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे GTA 5 के लिए देख रहे हैं, तो GTA 5 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं GTA 5 पे हम लोग आ चुके हैं। एंड गाइस यहाँ पे एक क्राइटेरिया है आपको प्ले करने के लिए, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं अभी सर्वर यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ। सर्वर कनेक्ट करने के लिए आपको एक VPN डाउनलोड करना पड़ेगा, आप इंडिया के सर्वर से नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं प्ले करने के लिए, जिस वजह से आपको सर्वर नहीं मिल पाता। तो आपको यहाँ पर जाना है, अपने जो भी आपके पास होगा VPN ऐप वहाँ पर जाना, आपको यूनाइटेड स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना या भी अदर कोई भी आप कर सकते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं, अगर मुझे फॉलो कर रहे तो आप सेम टू सेम स्टेप कर सकते हैं। एंड आपको ऐप में रिटर्न आ जाना, रिटर्न आने के बाद आप यहाँ पे गाइस प्ले करेंगे जैसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐड देखना पड़ेगा फ्री के चीज़ में। एंड गाइस अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली है जो यहाँ पर गेम ओपन हो गया, एकदम सेम टू सेम गाइस गेम ओपन हो रहा है मोबाइल वर्जन में, जैसा आप PC में खेलते हैं एंड यहाँ पर आप मोबाइल पर भी खेल पा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस भी सेम टू सेम एकदम PC वाला गाइस, आपको सारा सेटिंग PC वाला मिल रहा है। आप यहाँ पे अपने फिंगर को भी एडजस्ट कर पाए, अपने फिंगर को एडजस्ट कर पाएंगे। एंड यहाँ पे देख रहे ओपन हो रहा, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको स्टोरी मोड को फास्ट फॉरवर्ड करके ओपन करते हैं। एंड यहाँ पे अब ये ओपन होने वाला गाइस गेम, आप देख सकते हैं इसका मैं ब्राइटनेस को फुल कर लेता हूँ, ब्राइटनेस फुल है मेरा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल में ही चला रहा हूँ, इसका सबूत है ये। एंड चलिए गाइस अब आगे चलते हैं, यहाँ पे सेम टू सेम ये PC की तरह रन करेगा गाइस, जैसे कि आपको वहाँ पर फर्स्ट मिशन देता है यहाँ पर फ्रैंकलिन के लिए, और ये ट्रेवर का तो माइकल का थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रो देगा, इसको आपको स्किप कर देना। स्किप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रैंकलिन। एंड गाइस आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो पूरा फंस रहा था, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, क्योंकि मैं मल्टी काम कर रहा हूँ अपने मोबाइल में, मेरा मोबाइल थोड़ा सा ओल्ड वर्जन वाला है। एंड यार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा फंस रहा, लैग हो रहा, नहीं तो गाइस अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप ऐसे ही खेलेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा सा स्मूथ भी चल रहा है ये। एंड गाइस मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा गाइस, ये बहुत ही स्मूथ चलने वाला है बिना रिकॉर्डिंग किए, अगर आप कुछ मल्टी वर्क नहीं कर रहे तो आप एक टैप में एक चीज़ करें। एंड यहाँ पे देख सकते हैं गाइस लेफ्ट साइड का जितना भी, मुझे शुरू शुरू में इसका बटन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन 4-5 बार खेलते खेलते मुझे समझ में आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं L1 R1 सब कुछ है यहाँ पे। आप मोबाइल को जैसे स्टेयरिंग की तरह ऐसे टिल्ट करेंगे गाइस, वहाँ पे आपको ये गाड़ी मुड़ते हुए नज़र आएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो चलिए गाइस थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ जाइएगा कैसे करना।
तो चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इससे भी बड़ी बात क्या हो सकती है कि अब एक मोबाइल यूज़र भी GTA 5 का मज़ा ले सकता है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए गाइस। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का सर, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको वो दोस्त जो भी GTA 5 नहीं खेल पा रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए वीडियो, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।